प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण की चुनौतियों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा की। गोरखपुर एनआईसी हाल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एडीजी जोन दावा शेरपा, मंडलायुक्त जयंत नालिकर, डीआईजी रेंज राजेश डी मोडक, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, सीएमओ डॉक्टर एस के तिवारी, एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोरोना को लेकर अभी भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा, हम सभी के प्रयास से प्रदेश में कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त किया जा चुका है, लेकिन अभी भी हम सभी को सचेत रहने की ज़रूरत है। निगरानी समितियों को सक्रिय करके बाहर से आने वाले श्रमिकों को क्वारंटीन करने में की ज़रूरत है, जिससे गांवों तक कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। वीडियो कॉन्फ्रेंस कई मायने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समय हमारे प्रदेश में देखा जा रहा है प्रवासी कामगार विशेष करके मुंबई से, सूरत से, नासिक से अहमदाबाद से मिल रहा है, और चूंकि संक्रमण को नियंत्रित रखना चाहते हैं वो हमारे यहाँ इस पहलू पर विशेष ध्यान दें। खड़े हैं रेडिएशन टीम लगाया करने के बाद, लाइफ टेस्टिंग करने के बाद, और उनके जो स्किल की बाकी है वो सब करने के बाद तभी आप उसको होम क्वारंटाइन में भेजेंगे। अगर कोई लक्षण नहीं हो सकता है और फिर सातवें दिन उनका टेस्ट करा, 14 दिन से होम क्वारंटाइन में भेज देना। 21 तारीख तक यह व्यक्ति होम क्वारंटाइन है, और उसके बाद चूंकि गाँव गाँव में जो निगरानी के लिए व्यवस्था बनाई है वो ग्राम निगरानी समिति की है, बहुत ही मजबूती से आपकी ग्राम निगरानी समिति काम करेगी। जो भी आपने उसका कॉम्पिटिशन बनाया है इसमें आशा है कि आप ध्यान से देख रहा हूँ थोड़ा सा डर रहा है एक घोड़ा भाग रहा है जिससे कि वो समझ नहीं होगा कि समस्या को क्या हो रहा है और वहाँ से बहुत ज्यादा दर्शन होगा उसको काफी हद तक कंट्रोल करने में हम लोग सफल हुए हैं। अलग अलग फेज में हमारे सामने अलग अलग चुनौतियां थी और सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना मिलकर के फील्ड की टीम ने जनपद स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जो टीम काम कर रही थी उसने भी और शासन के साथ मिलकर के उसको बहुत अच्छे ढंग से प्रदेश और केंद्र सरकार के साथ एक बेहतर समन्वय बनाते हुए उसके बेहतर परिणाम लेकर के आए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर फेज में एक नया चैलेंज हमारे सामने आया। याद करिए जब हम लोगों ने पहले फेज के लॉकडाउन की कार्रवाई को प्रारंभ किया था तो 26, 27, 28 मार्च को ही काफी बड़ी संख्या में दिल्ली हरियाणा से प्रवासी कामगार और श्रमिकों ने पलायन किया था। उनकी सुरक्षित घर वापसी की कार्रवाई संपन्न हुई और अधिकतर लोगों को क्वारंटाइन सेंटर और होम क्वारंटाइन में रख करके सुरक्षित रखा गया। आज भी लोग अपने अपने गांवों में या अपने अपने कस्बों में किसी न किसी रोजी रोजगार के साथ जुड़ चुके हैं। सेकेंड फेज में हमारे सामने चैलेंज था कोटा प्रयागराज के छात्रों को वापस लाने, हरियाणा मध्य प्रदेश में फंसे हुए लोगों को वापस लाने, उसकी कार्रवाई को भी हम लोगों ने, नेपाल से जुड़े हुए लोगों को भी काफी हद तक लाने में हम लोगों ने कार्रवाई की।